दो दिन पहले यानी रामनवमी के दिन देश के 8 राज्यों में शोभा यात्रा के दिन उपद्रव हुआ, दंगे हुए, 2 लोगों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश के शहर खरगोन और बड़वानी में भी जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। उस हिंसा के बाद शिवराज सरकार ने कठोर रुख अख्तियार करते हुए हिंसा करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। शिवराज के आदेश पर कार्रवाई करते हुए कल खरगोन में 45 मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बड़वानी में सेंधवा एक जगह है, वहां भी कुछ घरों में बुलडोजर ने अपना कमाल दिखाया। शिवराज सरकार के इस एक्शन पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी से लेकर AIMIM के नेता असद ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस कानून के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर चल रहा है। दूसरी तरफ सरकार अपने रुख पर कायम है, कह रही है कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा, कर भी रहे हैं। और इसीलिए आज की हुंकार इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल के बुलडोजर मॉडल जुल्म है या फिर जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी की ये घटनाएं देखी गई थी एक पनिशमेंट के तौर पर, और ये पनिशमेंट किस लिहाज से बड़े चालाकी से दिया जा रहा है। ABP News आपको रखे आगे।